बाबूजी, हम शादी नहीं करेंगे और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कर लो आत्महत्या, मगर शादी तो आपको करनी है। ये तुम दोनों, वैसे हम दोनों की सेम प्रॉब्लम है, शादी आपकी हो नहीं रही है और हम तो करना ही नहीं चाहते। मतलब दोस्ती के नाम पे कलंक हो तो वो क्या कहते हैं? डायन डायन चुप। तो दोस्तों, आज की तो वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म यानी कि बबलू बैचलर के शुरुआती 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि बबलू बैचलर फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से टोटल कितने रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे कि बबलू बैचलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या रह चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बबलू बैचलर जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सरमन जोशी, राजेश शर्मा और पूजा चोपड़ा। और दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट किया है अग्निदेव चटर्जी ने। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से अपने शुरुआती 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर काफी लो कलेक्शन करा है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के डेली डिवाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि बबलू बैचलर फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया टोटल नेट कलेक्शन करा था लगभग 26 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों, इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन लगभग 31 लाख रुपए का नेट कलेक्शन करा था। तो दोस्तों, इसी के साथ बबलू बैचलर फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का ऑल ओवर इंडिया टोटल नेट कलेक्शन हो चुका था लगभग 57 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का ऑल ओवर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था लगभग 76 लाख रुपए का। जी हां दोस्तों, बबलू बैचलर फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में ऑल ओवर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 76 लाख रुपए का कर चुकी थी। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि तीसरे दिन यानी कि आज है संडे यानी कि हॉलीडे, जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्शन में भी एक छोटा सा जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अभी तक जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं और जिस तरह की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म को देखने को मिली है उसके मुताबिक यह रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि यह फिल्म अपने तीसरे दिन लगभग 40 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ यहां पर बबलू बैचलर फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का ऑल ओवर इंडिया टोटल नेट कलेक्शन हो जाना है लगभग 97 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों, इस फिल्म का ऑल ओवर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा का हो जाना है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि बबलू बैचलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने बबलू बैचलर फिल्म देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, हमें बिना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।